स्कूल हेयर स्कूल ओके राधानाथ सिकदर मेघनाथ शाह राधानाथ सिकदर मतलब राधानाथ सिकदर आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट का हाइट कैलकुलेट किए थे yes, वो yes, इसी yes. स्कूल का ही वो स्टूडेंट था ओके माय गॉड सर ये भी मेरा स्कूल है। अच्छा ओके okay, और यहीं पर हमारे गाइड मिस्टर सम्राट पड़े हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे केमिस्ट्री के टीचर हैं, कह सकते हैं कि एक पीएचडी इन्होंने किया हुआ है केमिस्ट्री की हाइट नापी है। और देखिए स्कूल देखिए यही हाँ ये दीनबंधु मिश्र के बारे में पता है ना दीनबंधु मिश्र यस हाँ दीनबंधु मिश्र जो कि नील की क्रांति हुई थी उन्होंने उसके बारे में लिखा था। यहाँ पर सब ये एलुमनी है हेयर स्कूल का, देखिए एलुमनी आप देख सकते हैं सर, ये नाम बंगाली में। इंडिया का फर्स्ट एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी ये स्कूल का ये है, सुब्रत मुखर्जी है। फर्स्ट जनरल जयंतनाथ चौधरी है ओके। अच्छा पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट बना जिया अच्छा जियाउर रहमान ये स्कूल का स्टूडेंट है ओके ओके। एमपी बिरला ये स्कूल का स्टूडेंट है। गुरुदत्त जो मूवी आर्टिस्ट है गुरुदत्त ये स्कूल का स्टूडेंट है। गॉड सुरेश विश्वास जो फर्स्ट ब्राजील में जाकर वो सर्कस को इन्वेंट किए थे यस वो है कॉर्नेल सुरेश विश्वास। चारूचंद्र चक्रवर्ती जो बहुत फेमस राइटर है ओके। अच्छा यहाँ पर आचार्य जो प्रफुल्ल चंद्र राय आपको पता है जो मार्टिरस नाइटेड ये था ये स्कूल का स्टूडेंट्स है। अच्छा और एक जो नाम सुनकर आप चौंक जाओगे आचार्य जगदीश चंद्र बोस माय गॉड जिसको नोबेल नहीं मिला था यस इसी स्कूल के कैंपस में काम करे थे। जगदीश चंद्र बोस वही है ना जिन्होंने ये कहा था कि पौधों में भी जीवन होता है और जीवन ये है। फर्स्ट रेडियो वेव बनाया था रेडियो वेव बनाया था फर्स्ट इन्वेंट किए थे सिर्फ इंडियन होने के लिए उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट मलेरिया और कालाजार का वैक्सीन बनाया गया था यस सर रोनाल्ड रॉस वो जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आप देख कर आए हैं। और बहुत सारे ये देखो राधानाथ सिकदर है सर गुरुदास बंदोपाध्याय है जो कांग्रेस का आपको पता है हिस्ट्री ऑफ पीएफ यस ये सब है सर। माय गॉड तो ये देखिए एक हम कह सकते हैं कि एक पुण्य भूमि भी अगर इस स्कूल को कहें तो भी कम होगा बोल सकते हो सर। और इसी स्कूल में हमारे सम्राट देव भी पढ़े हुए हैं। वाओ ये भी एक सौभाग्य है इस स्कूल में पढ़ना। क्या होता है कि हम अतीत में जा नहीं सकते पर जब हम उस अतीत को महसूस करते हैं तब भी हम उसको हम कह सकते हैं कि हम उसको छू कर आए हैं। वाओ इसको देखना भी एक सौभाग्य है तो आज हम कह सकते हैं कि यस हम भी जो है वो भाग्यशाली है। मतलब सर आप हिस्ट्री बुक्स में जिसके इसके बारे में पढ़े हो ना यस ये एरिया ऐसे ही है मतलब कोलकाता कोलकाता का ये एरिया ऐसा ही है ना सर मतलब ओल्ड जहाँ जगह पर जाओगे वहाँ पर आपको हिस्ट्री खुद आकर आपको टच करके जाएगा। वाह ये है कलकत्ता का सर इतिहास। वाह शानदार वेरी नाइस प्लेस। आप आर्किटेक्चर देख रहे हो